नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, ये हमारी लाइव क्लासेस की वीडियो है। आज मॉर्निंग 7 बजे का हमारा बैच है जिसमें हम टॉप 100 टिप एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने 20 तक किया था। आज हम 20 से आगे बढ़ेंगे और 20 से आगे की चीजों को देखेंगे। तो चलिए मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। ओके, रमेश जी, गीतांजलि जी एंड विकास जी, रमेश जी, गीतांजलि जी एंड विकास जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप लोग स्टार्ट कर ले, बाकी लोग बीच में ज्वाइन करते रहेंगे। ओके, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 100 टिप एंड ट्रिक्स, जिसकी 2 वीडियो हमने लास्ट 2 वीकेंड में यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप वहां से खोज लीजिएगा। और आज हम 20 टिप्स पे हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे, आज हम उससे आगे चलेंगे और उससे आगे के चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में क्या है कि छोटे छोटे चीज है लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल है, उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे रियल लाइफ में इसकी जरूरत पड़ जाती है। छोटे छोटे है, बेसिक कंसेप्ट है लेकिन काफी यूजफुल होते हैं ऑफिशियल लाइफ में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग की। जी हाँ, जैसे कि आपने अगर कोई डेटा रख रखा है अपने एक्सेल पे, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर डेटा यहां से अगर खाली करना होता है, जैसे फॉर्मेट वगैरह लगा है, अगर खाली करना है, तो जनरली लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। बट डिलीट करने से क्या होता है, पूरा कॉलम, अगर इस कॉलम में नीचे डेटा है वो भी डेटा डिलीट हो जाता है। और दूसरा कि अगर आपने इसको लिंक कर रखा है तो वो लिंक भी डिलीट हो जाता है। तो यहां पे हम डिलीट नहीं करना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे। तो आपकी होम मेनू बार में ही यहां क्लियर, क्लियर के अंदर में यहां पे क्लियर ऑल कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसी में हमारे पास क्लियर फॉर्मेट है, जस्ट फॉर्मेट क्लियर होगा। इसमें आपका क्लियर कमेंट है, कमेंट होगा। क्लियर हाइपरलिंक है तो हाइपरलिंक होगा। तो ये क्लियर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लियर के बाद 21वां नंबर जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं, 22वां नंबर, सॉरी। तो 22वां नंबर टॉपिक हमारा एक आता है। अब हम कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी तक 20 जो है हमने टॉपिक जाना था किससे रिलेटेड, एक्सेल के फीचर्स रिलेटेड। अब कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड जानते हैं। अब जैसे कि आपने अगर कोई नाम लिखा, जैसे कि मैंने अपना ही नाम लिखता हूं सुजीत, तो लोअर केस में है, कभी कभी अपर केस की जरूरत पड़ती है। तो वर्ड में तो होता है कि चेंज अपर केस यहां से ऊपर ऑप्शन होता है, लेकिन एक्सेल में ऑप्शन ऊपर नहीं होता, यहां पे आपको देना होता है लोअर। इसको सिलेक्ट किया, ये लोअर में हो जाएगा। अपर कीजिएगा, लोअर तो पहले से था ही, अपर कीजिएगा अपर में हो जाएगा। एंड हमारे पास एक प्रॉपर होता है जो कि प्रॉपर में कर देता है। तो लोअर लोअर किया, अपर अपर किया, ये आपका प्रॉपर प्रॉपर कर दिया। लेकिन प्रॉपर क्या होता है कि फर्स्ट, जिसमें यहाँ पे सुजीत कुमार लिखता हूँ, सुजीत कुमार, तो हर फर्स्ट लेटर को बड़ा करता है, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को। लेकिन मैं अगर अपना नाम लिख रहा हूं तो मैं सेंटेंस केस को करना चाहता हूं, मतलब कि सेंटेंस केस मतलब कि हर नाम, हर लाइन का पहला लेटर। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट का, जो कि लेफ्ट से लेटर को अलग करता है। तो लेफ्ट से हमने एक लेटर को अलग कर लिया और इसको मैं अपर में कन्वर्ट, अपर में डाल देता हूं, अपर। और फिर मैं राइट का फॉर्मूला लगाता हूं, और मुझे राइट से क्या है मतलब कि मैं लेफ्ट का किया, एस से अलग किया, इस साइड से चला। अब मैं राइट जो है इस तरह से लेना चाहता हूं, लेकिन पूरा नहीं लेना चाहता हूं, लेना चाहता हूं कि जितना भी वर्ड है उससे एक लेटर कम, मतलब कि एस को छोड़ के। तो अकाउंट कैसे पता चलेगा,
तो हमारे पास एक लेन का फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है, इसमें से लेंथ को अलग करता है। तो लेंथ माइनस हमने वन कर दिया, तो यहां आप देखेंगे ये आ गया। अब दोनों को आप कंबाइन कर लो इस तरह से, तो ये सेंटेंस किस हो जाता है। तो ये अलग अलग सेल में लगाया, आप इसको इकट्ठा एक जगह भी लगा सकते हो, क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए अलग अलग लगाया। इस तरह से अब बात करते हैं रैंडम नंबर की। आपने देखा होगा कि मैं बराबर रैंड बिटवीन का यूज करता हूं, तो क्या है चलिए जानते हैं। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है रैंड का, यहां पे इक्वल आर ए एन डी रैंड, बाय के ओपन क्लोज कर दिया। तो रैंड फॉर्मूला क्या करता है कि जीरो से बड़ा और एक से छोटा नंबर को देता है, और हर बार अपने आप को चेंज करता है। उसी तरह से हमारे पास रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है, जो कि आप इसमें दिया 10 से 90 के बीच में, या हमारे 4 डिजिट का आपको चाहिए कोई भी नंबर, जैसे ओटीपी होता है, तो ये लिए। हमने 111 एंड 99 के बीच का नंबर ले लिया, तो ये नंबर आपका कोई भी नंबर दे देगा, तो रैंड बिटवीन होता है। तो आखिर ये रैंड बिटवीन बनता कैसे है, अब इसकी कंसेप्ट को देखें। जैसे मान लीजिए मुझे 10 से लेके 90 के बीच में नंबर चाहिए, 10 से लेके 90 के बीच में नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 10 करेंगे, और फिर इस पे हम रैंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फिर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 10 को करेंगे, सॉरी 10 प्लस 8 आ गया। और इसमें इसको यह है, इसको इंट फॉर्मूला लगा के इंटीजर मतलब कि डेसिमल्स को हम हटा देते हैं 65। तो आप देखेंगे हर बार नंबर चेंज होगा, लेकिन 10 से 90 के बीच में ही होगा। तो रैंडम नंबर इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं 24 से 30 में। अब बात करते हैं काउंट द वर्ड। अब एक एक बड़ी अच्छी चीज है, इसको देखते हैं।